प्रिय विद्यार्थियों, हम पाठ्यपुस्तक में संग्रहित कबीर का अगला पद पढ़ेंगे। कबीर का यह पद आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना को प्रस्तुत करता है। निर्गुण भक्ति धारा में कबीर आत्मा रूपी प्रेयसी जो अनुभव करती है, आत्मा रूपी प्रेयसी जो चाहती है, उसका वर्णन इस पद में कर रहे हैं। एक प्रकार से अद्वैत से तादात्कार या एकाकार होने की परिणति का वर्णन इस पद में किया गया है। कबीर का यह पद है, अब तो ही जान न देहु राम प्यारे, ज्यों भावे त्यों हो तुम हमारे। हे प्रिय राम, अब मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से जाने नहीं दूंगी। ज्यों भावे त्यों हो हमारे, आपको जिस प्रकार से अच्छा लगे उसी रूप में वैसे ही आप हमारे हो जाओ। अर्थात आत्मा रूपी प्रेयसी ईश्वर से कहना चाहती है कि अब मैं आपको किसी भी प्रकार से यहाँ से जाने नहीं दूंगी, आप जैसे चाहें उस रूप में आप हमारे हो जाओ। बहुत दिनन के बिछुड़े हरि पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। हे हरि, मैंने आपको बहुत दिनों के वियोग की बात अर्थात लंबी साधना के पश्चात, बिछोह के पश्चात प्राप्त किया है, और यह मेरे सौभाग्य है कि आप मुझे घर बैठे ही प्राप्त हो गए हैं। चरणन लागी करो बरी आई, प्रेम प्रीति राखो उर जाई। मैं आपके चरणों को पकड़कर आप रखूंगी, मैं बलपूर्वक आपको अन्यत्र कहीं भी जाने नहीं दूंगी, और प्रेम प्रीति राखो उर जाई, अपने प्रेम और प्रीति के धागों से बांध करके उसमें उलझा करके मैं आपको अपने निकट ही रखूंगी। साधक भक्ति में प्रेम भाव को महत्वपूर्ण मानता है। प्रेम भाव सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति का महत्वपूर्ण तत्व है, और भक्त इसीलिए कहता है कि मैं अपने प्रेम के धागों में उलझा कर आपको सदैव अपने निकट रखूंगा, उसे और कहीं अन्यत्र मैं आपको जाने नहीं दूंगा। इतमनि मंदिर रहा नित चोखे, कहे कबीर करहूं मति धोखे। कबीर कह रहे हैं कि इस मन रूपी मंदिर में हे ईश्वर, आप सदैव अच्छे से भरी भांति निवास करें और अन्य किसी के धोखे में ना आए, अर्थात अन्य किसी के बहकावे में आकर आप उसके पास न जाएं। साधारण शब्दों में कहें तो यहाँ पर एक जो सामान्य मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वह अपने प्रियजनों को किसी अन्य के पास जाने नहीं देना चाहता, वैसे ही यहाँ पर कबीर ने आत्मा रूपी प्रेयसी की लालसा को व्यक्त किया है। आत्मा रूपी प्रेयसी यह चाहती है कि ईश्वर कभी भी उससे दूर न जाए, सदैव उसके समीप उसके निकट ही रहे। इस प्रकार कबीर के इस पद में सुंदर प्रेम भाव की अभिव्यंजना हुई है। कबीर ने आत्मा और परमात्मा के प्रेम को यहाँ पर व्यक्त किया है। इस पद में अनुप्रास और सांग रूपक अलंकार की योजना हुई है। कबीर ने सुंदर सरल सहज शब्दों का उपयोग किया है जो सीधे
हृदय में उतर जाते हैं। कबीर के इस पद में कबीर की कोमल कवि रूप का परिचय हमें प्राप्त होता है। धन्यवाद।